वहीं विधानसभा की कार्यवाही से पहले सदन के बाहर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। इस दौरान कांग्रेस की महिला विधायक प्रतिमा दास का अजीब बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार जल्द से जल्द शराब की दुकानें खोले। बिल के विरोध में और बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस के तमाम विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और कांग्रेस की जो महिला विधायक हैं वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बढ़ती महंगाई को लेकर जो अनाज है, खासतौर पर मक्का, धान, गेहूं और प्याज, जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, इसको लेकर ये लोग सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह विरोध कर रहे हैं। मैडम, ये बताइए कि वाकई में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है और MSP अभी तक MSP पर खरीदारी नहीं हो रही, सरकार खरीद नहीं पा रही, क्या कहेंगे आप? ये बहुत दुखद स्थिति है, और जब हमारे किसान ही नहीं सुरक्षित रहेंगे तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा? जो हमारे अन्नदाता हैं उनके साथ लगातार केंद्र की मोदी सरकार, अभी देखिए लगातार उनका आंदोलन चल रहा है, लगभग 200-250 के करीब हमारे किसान शहीद हो गए हैं। तो ये बहुत अमानवीय व्यवहार है किसानों के साथ, और कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, देश की जनता के साथ खड़ी रही है और आगे भी रहेगी। किसान का जो धान है MSP के रेट पर खरीदारी नहीं हो रही है, किसान औने पौने दाम पर धान खरीदने के लिए विवश है। धान जब नहीं बेचेंगे तो गेहूँ की खेती वो कैसे करेंगे? अब गेहूँ भी होने वाला है, अप्रैल में गेहूं कट जाएगा, तो जब धान नहीं बिकेगा, गेहूं नहीं बिकेगा, तो उनके बाल बच्चे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? जब हमारे किसान ही नहीं सुरक्षित रहेंगे तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा? बिल्कुल, जो महिला विधायक है वो ये डिमांड कर रही है कि आने वाले समय में अगर जो अनाजों पे MSP अगर तय नहीं करती है, खरीदारी नहीं करती है, तो आने वाले समय में सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस विरोध करेगी। कैमरन प्रभात के साथ 19 कुमार, लाइव 7 पटना।